नमस्कार, मैं उषिका श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के मांडर में चुनाव को लेकर ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से एक दूसरे का गला काटने पर उतारू है। और इस चुनाव मांडर का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे महागठबंधन प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जहाँ एक और मैदान में है, तो वहीं भाजपा की तरफ से गंगोत्री खजूर मैदान में है। आपको बता दें, इससे और बड़ी खबर जो आ रही है, अब अभी 10 तारीख को हिंसा हुआ था रांची में बहुत बेजोड़, और इस हिंसा के बाद एक जो खबर आ रही है, नहीं पता इस खबर सुनकर क्या आप रिएक्ट करेंगे। जी हाँ, वदनी ओवैसी जो है वो आ रहे हैं रांची 19 जून को। जी हाँ, ओवैसी, आपने बिल्कुल सही सुना, 19 जून को ओवैसी रांची आ रहे हैं और यहाँ से वो मांडर जाएंगे। मांडर के चान्हो मैदान में वो देव कुमार धान वही जो बीजेपी से निराश हो चुके हैं और इस बार मांडर से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके लिए ओवैसी जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। तो एक तरफ देव कुमार धान जहां ओवैसी का सपोर्ट पूरा मिल रहा है, तो वहीं पे बीजेपी ने भी अपना कमर कस ली है। बाबूलाल मरांडी जहां हर दिन आधा से अधिक दर्जन, आप ये कहिए कि बाबूलाल मरांडी ने तो लगता है और दीपक प्रकाश ने अपना घर बना लिया है मांडर में, क्योंकि हर दिन आधा से अधिक दर्जन जन चौपाल लग रहे हैं और जन सुनवाई हो रही है। भ्रष्टाचार, विकास जैसे मुद्दे को प्राथमिकता मिल रही है। बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, खासकर करप्शन, विकास, एजुकेशन के मुद्दे पर। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी का भी साख यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको खुद को भी साबित करना है। तो मांडर चुनाव जो है वो सिर्फ गंगोत्री खजूर और सिर्फ शिल्पी नेहा तिर्की या फिर बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, बल्कि जो स्टार प्रचारक है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, उनकी खुद की इज्जत और अपनी जो एक रेस्पेक्ट होता है वो बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है मांडर। इस पर बहुत तरीके से जनता की नजर रखेगी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जब से भाजपा में शामिल हुए अभी तक ऐसा कोई बड़ा जीत नहीं दिलवा पाए, तो उनकी साख भी जो है वो बहुत मायने रखती है। इसके साथ ही आप इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें तो सत्ताधारी पार्टी अपना साख बचाने में कामयाब हुई। मांडर चुनाव को देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मांडर चुनाव में जीत किसकी होती है। अगर मांडर चुनाव में बीजेपी अगर अपना रेस्पेक्ट नहीं बचा पाती है, सीट नहीं बचा पाती है, तो इसके नेतृत्व क्षमता पर सवाल तो जरूर उठेगा। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश जैसे जो स्टार प्रचारक है, जो अपनी पूरी जान झोंक रहे, इनके क्षमता पर भी सवाल उठेगा। इसलिए मांडर चुनाव कहीं ना कहीं, और इधर से मैं कांग्रेस की अगर बात करूँ तो कांग्रेस की तरफ से भी हर दिन एक एक टीम जाकर जन चौपाल कर रही है, लोगों से एक एक घर जाकर वोट की अपील कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 2014 या फिर जो पीएम का इलेक्शन होता है जहाँ पे बहुत हलचल होती है, ऐसा कुछ मांडर में देखने को मिल रहा है, जहाँ एक दूसरे के पीछे लोग लगे हुए हैं। जहाँ बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ, महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस एंड जेएमएम है, तो एक तरफ अकेले भाजपा है। अब देखना दिलचस्प होगा इन दोनों के बीच जो कड़ा मुकाबला है, इसका नतीजा क्या आता है और बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक है उनकी साख का क्या होता है। वैसे जान बचाने में तो सब लगे हुए हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आप बने रहे जीएन भारत के साथ और साथ ही देखें कि बीजेपी का इसमें क्या स्टैंड है और कांग्रेस क्या कहती है। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।